हे गाइस बैकग्राउंड में सिंह चैनल। तो गाइस रेसलमेनिया नाइट वन हो चुका है एंड पता भी चल चुका है टुमारो किसका मैच होगा। ब्लड लाइन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा, वन वर्सेस ऑल। एंड गाइस हमारी जेड कारगिल का भी मतलब बहुत अच्छा मैच था एंड हमारे जे और जिमी का भी मैच हो चुका है। और गाइस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत चुके हैं सैमी ज़ेन। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि आप कोई भी रेसलमेनिया मैच का रिव्यू मिस ना कर सके। तो फर्स्ट मैच था हमारा गाइस वो था बेकी लिंच एंड मामी, हमारी रिया रिप्ली का मैच। बहुत अच्छा था, बहुत परफेक्ट मूव थे एंड भाई साहब जिस लेवल पे मामी लेके गई ना बेकी लिंच को एंड बेकी लिंच ने मामी को लेके एक मूवमेंट तो ऐसा था जब बेकी लिंच ने मैन हंटर स्लैम लगा दिया एंड अपना जो फिनिशर होता है ना वो मतलब डिस आर्मर वो भी लगा रही थी। लेकिन गाइस इस मैच में विक्ट्री ले ली हमारी मामी ने एंड मैं कह भी रहा था कि मामी का करेक्टर इतना टॉप है कि वो हार नहीं सकता एंड बेकी लिंच इज लूज द मैच एंड मामी इज स्टिल चैम्पियन एंड रिटेन कर चुकी है अपनी टाइटल। तो गाइज मामी तो जीत गई पहला मैच। सेकंड मैच था गाइज टैग टीम सिक्स पैक चैलेंज एंड भाई साहब इसमें टैग टीम हो चुकी स्प्लिट, वन ऑफ द बेस्ट मैच एंड मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट मैच एवर आई सीन। मेरे लिए वन ऑफ द परफेक्ट मैच है भाई, जिमी एंड जे से तो कई गुना ज़्यादा बेस्ट मैच है एंड दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट मूव यार लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं? पहले तो भाई साहब हमारे ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी बन गए स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन। सेकेंड ऑफ ऑल हमारे बन चुके हैं ऑसम ट्रूथ इज अ रॉ टैग टीम चैंपियन एंड टैग टीम हो चुके स्प्लिट। जजमेंट डे हार चुकी है इस मैच में एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्टिपुलेशन एंड द बेस्ट मूवमेंट्स मेकिंग दिस मैच। एंड भाई साहब ना हमारे जीते हैं टाइलर ब्रीज और पीडन, ना ही जीते हमारे DIY। तो गाइस दो टीम जीत चुकी है एंड वो है ऑसम ट्रूथ ग्रेसन वॉलर एंड हमारे ऑसम ट्रूथ। नेक्स्ट मैच था गाइस वो था उसके बाद हमारा नेक्स्ट मैच था वो था अंद्रादे हमारे रेमस्त्री एंड वर्सेस डोमिनिक एंड उनके जो फ्रेंड थे लगाडो फंडासमा एंड भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट मैच से भी कह सकते हो। बहुत अच्छे मूव लगाए या बहुत परफेक्ट मूव थे लूचा लिब्राडोल एंड भाई साहब जो उनकी टैग टीम्स ने मूव लगाए माइंड ब्लोइंग यार, ऑसम मैच, बहुत परफेक्ट मूव। एंड इसमें एक मतलब आए भी थे बंदे लेजेंड्स थे कुछ मतलब आए थे, अब मुझे पता नहीं कौन थे लेकिन उन्होंने हेल्प किए डोमिनिक मिस्टीरियो को हराने में हमारे रेमस्टीरियो की। एंड भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट मैच एवर मेकिंग WWE राइट नाउ दिस एंड रेमस्टीरियो भाई सही में इस लेवल की रेसलिंग दे रहे हो तो वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल है, वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड एवर। एंड इस मैच में अंद्रादे एंड हमारे रेमस्टीरियो को विन मिली है, विक्ट्री मिली है। वो मानता भी हूँ कि अंद्रादे अभी भी आए हैं, रेसलमेनिया मूवमेंट चाहिए था तो वो जीते हैं एंड भाई साहब जो बूस्ट मिलेगा ना इससे वो अलग लेवल का आएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट एवर रेमस्टूरी एंड अंद्रादे एंड LWO। नेक्स्ट हमारा मैच था गाइस वो था गाइस हमारा नेक्स्ट मैच था वो था कबुकी वॉरियर वर्सेस सिक्स वुमेन टैग टीम मैच। तो भाई साहब ये मैच बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत परफेक्ट मूव थे एंड भाई साहब जिस लेवल की एथलीटिज्म है ना माइंड ब्लोइंग यार, वन ऑफ द बेस्ट मैच एवर कह सकते हो वुमेन डिवीजन में। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेकिंग ट्रिपल ए राइट नाउ, ट्रिपल ए ने जो बनाया है ना वुमेन डिवीजन में कतई खतरनाक लेवल है। एंड भाई साहब इसमें जेड कारगिल प्लेइंग कर रहे हैं एंड ट्रियो नाम की कोई फैक्शन बन सकती नहीं मुझे तो लग रहा है। एंड भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट ब्रूटल मैच एंड वन ऑफ द बेस्ट मेकिंग स्टिपुलेशंस, क्या यार स्टिपुलेशन बना रहे, कैसा मैच लग रहा है, मज़ा आ रहा है देख के। एंड भाई साहब मेरे लिए माइंड ब्लोइंग मैच था, इसमें हमारी बियंका प्लेयर न्योमी एंड हमारी जेड कारगिल जीत चुकी हैं एंड ही स्टिल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मैच होता है जे उसो वर्सेस जिमी उसो। मैं पर्सनली कहता हूँ गाइस मुझे ये मैच अच्छा नहीं लगा, मतलब उस लेवल का नहीं लगा कि जे और जिमी की फ्यूड उस लेवल की थी, पर मैच यार मुझे उस लेवल का नहीं लगा। मतलब कह रहे थे ना जे और जिमी का मैच बहुत अच्छा होगा, भाई एक दूसरे को सुपर किक लगा रहे हैं कभी ऐसे। जिमी तो यार क्या बनाया इस बंदे को रेसलर, मतलब इसने कुछ भी इतना अच्छा नहीं किया। हाँ एक दूसरे को किक लगा रहे हैं, परफेक्ट बिल्डिंग हुई, बट यार उस लेवल का नहीं लगा मुझे। मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन दिस इज नॉट अ दैट लेवल मैच, जो हाइप बना के रखी थी उस लेवल का नहीं था। हाँ मैच अच्छा था, मैच बहुत अच्छे मूवमेंट भी थे एंड रैपर भी आए थे एंड जो जिमी एंड जे की जो केमिस्ट्री है, जो फ्यूड है वो नेक्स्ट लेवल की थी, बट यार नॉट दिस लेवल मैच बिकॉज ऑफ द रीज़न। मेन इवेंट इससे भी खतरनाक था एंड सेकेंड इवेंट मेन इवेंट इससे भी ज़्यादा डेंजरस था। तो गाइस मुझे उस लेवल का मैच नहीं लगा, बाकी गाइस मैच बहुत अच्छा था, परफेक्ट मूव थे, परफेक्ट थे एंड जे हमारे जीत चुके हैं एंड स्टिल बीटिंग जिमी उसो एट रेसलमेनिया 40 नाइट वन। तो भाई साहब इसमें जे जीत चुके हैं, जिमी हार चुके हैं। और मेरा सेकंड लास्ट मैच था वो था गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन। ये यार परफेक्ट मैच वाज, रेसलिंग वाइज इज वन ऑफ द बेस्ट मैच एवर आई कंसीडर एंड मेन इवेंट दोनों का। इसे वन ऑफ द बेस्ट मैच इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ कि यार जो रेसलिंग दिखाई है, सैमी ज़ेन टाइटल जीत चुके हैं एंड भाई साहब जो जिस हिसाब से सैमी ज़ेन को मारा है ना वो लग रहा है भाई क्या तोड़ा है क्या फोड़ा है, कभी इधर सैमी ज़ेन को 3 पावर बॉम्ब, 4 पावर फ्रॉग स्लैश, यू आर माइंड ब्लोइंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच एवर। गुंथर की रेसलिंग वाइज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर
कह सकते हो मान सकते हो ये बंदा उस लेवल का रेसलर है, इसे रूमर रेंज जैसा बनाना चाहिए फ्यूचर में। बट भाई साहब इसमें जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसके कारण सैमी ज़ेन जीत चुके हैं, सैमी ज़ेन ने मैच जीता है। सैमी ज़ेन की केमिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट, टू मच गुड मैच। आई थिंक दिस इज़ अ प्रेफर यू वॉच दिस मैच एंड आस्क मी कमेंट। 5-star मैच एंड रोमर एंड रॉक का मैच भी यार कतई खतरनाक था जो टैग टीम में हुआ, बट यार ये मुझे ना परफेक्ट मैच लगा, परफेक्ट। क्या मुंह पे यार सैमी ज़ेन की वाइफ को बोल रहे हैं कि तेरे भाई का तो खेल खत्म, सॉरी तेरे हस्बैंड का तो खेल खत्म, ये देख तेरा हस्बैंड गया ये वो, चार बार फ्लॉक्स लगाए, लेकिन फिर भी सैमी ज़ेन उठते हैं एंड भाई साहब नेक ब्रेकर देते हैं और दो हुलुनु किक लगाते हैं जिसके कारण वो जीते हैं। स्टिल न्यू चैंपियन, एक टाइटल हुई है चेंज एंड दो टाइटल चेंज हुई है। बाकी हमारा मेन मैन मैच था गाइस वो था हमारा टैग टीम मैच कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस एंड हमारे रोमर या रॉक। भाई साहब इस मैच में क्या हो रहा है, कभी लग रहा है ये जीतेगा, कभी लग रहा है ये जीतेगा, कभी लग रहा है ये जीतेगा। भाई साहब ऐसे ऐसे मूवमेंट आ रहे हैं, एक मूवमेंट पे तो लगा कोडी रोड एंड सेथ रॉलिंस जीत गए मैच, दो बारी कर्बस्टोन लगाई भाई साहब, वो सीधा मुंह पे कर्बस्टोन लगा दी। रॉक ने रेफरी को कह दिया भाई अगर तूने 5 काउंट से ज़्यादा किया तो भाई तेरी जॉब खा जाऊंगा, मैं टीको का बोर्ड मेंबर हूँ। एंड भाई साहब बाहर लेके जा रहे हैं, कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी उधर लेके जा रहे हैं, स्पेयर दे रही टर्न बकल पे। रॉक को या जिस हिसाब से मार रहे हैं, रॉक को पावर बॉम्ब लगा, रॉक का ही रॉक बॉटम टेबल पे रॉक को लगा दिया। रोमर रहे यार किस लेवल पे कते खतरनाक जाए, तो उसकी मम्मी को कह रहे हैं कोडी रोड्स की तेरे बेटे को इसी से पीटूंगा ये वो। भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट मैच कह सकते थे, दो मैच है मैं कहता हूँ द ग्रेटेस्ट मैच एवर। एंड भाई साहब कोडी रोड हार चुके हैं इस मैच में, एंड अब टुमारो जो मैच होने वाला है कल उसमें कोडी वर्सेस ब्लड लाइन रूल मैच होगा। और भाई साहब अगर ये कोडी हार गए ना तो कल कोडी जीते या नहीं ये डिपेंड करेगा, क्योंकि वन मैन आर्मी बनना पड़ेगा कोडी रोड्स को मैच जीतने के लिए। एंड सेथ रॉलिंस कल डिफेंड करेंगे अपनी चैंपियनशिप अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर, और भाई साहब जो कल चीज़ें होने वाली है ना वो डिपेंड करने वाली थी आज के रसलमेनिया पे। और रसलमेनिया में जो हुआ है ना, रॉक ने क्या हुआ कि कोडी रोड ने 3 बार लगा दी, जैसे सोलो ने वो स्मॉल स्पाइक दिया था ना पिछली बार नाइजीरियन स्पाइक दिया था, वैसे ही कोडी रोड के पीछे बेल्ट मारी बैक पे एंड स्पेयर पड़ी, एंड रॉक ने अपना रॉक बॉटम लगाया एंड अपना लगा दिया रॉक एल्बो, एंड ये मैच एंड हो गया। एंड यहाँ से ये पता चल रहा है कि कोडी की मुश्किलें बढ़नी वाली है, नेक्स्ट लेवल कतई खतरनाक चीज़ होने वाली है। वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट मैच एंड राइट नाउ टुमारो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच एक और आने वाला है। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी, अपडेट अच्छी लगी, एंड समझने फुल अपडेट अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो गाइस कल का शो कतई खतरनाक होने वाला है, जहर होने वाला है।